गाइस गुड मॉर्निंग, हमारी हो चुकी है सुबह और हम कर रहे हैं सुबह सुबह ब्रेकफास्ट यहाँ जल्दी जल्दी सब लोग, क्योंकि 9:30 के बाद ब्रेकफास्ट नहीं मिलता। तो सब आ चुके हैं, दीशु भी है, उधर सिद्धू है, उसके पापा है। हम कर रहे हैं फटाफट ब्रेकफास्ट, फिर करेंगे आपसे सारा दिन की बातें। देखिए हम ब्रेकफास्ट करके लेट चुके हैं, मैं और दीशु, सिद्धू है अपने कमरे में। और देखो परी अपना मोबाइल देख रही है और कैमरे में देख रही है बड़े ध्यान से, कुटकुटली मेरी। और इसके पापा गए हैं ब्रेकफास्ट करके ऑफिस, और अभी हम यहाँ लेटे हुए हैं। टाइम हो गया है 11:30, तो हमारा मन नहीं लग रहा है क्योंकि एक कमरे में लेटे लेटे हम हो रहे हैं परेशान। बट अभी हो जाएगा लंच का टाइम, तो हम फिर कर जाएंगे लंच करने के लिए। उसके पापा आ जाएंगे 2:30 बजे करीब, तब हम सोचेंगे कहीं घूमने जाने के लिए। तो देखते हैं, दीशु पूछ रही है कहाँ घूमने जाएंगे, तो आज देखते हैं। किधर की तरफ रवानगी होती है, थोड़ी ज़्यादा दूर ना जाके थोड़ा थोड़ा करके पास में ही देखने की कोशिश करते हैं क्या है यहाँ पर। और घूमते रहिए मेरे साथ कलकत्ता, और बने रहिए मेरे साथ आज के ब्लॉग में हमारी तुम्हारी बातें। और अगर चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ करिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, और लाइक और कमेंट और शेयर। और सभी का मैं तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ जो मेरे चैनल को देखते हैं, जो मुझे अपना कीमती वक्त दे रहे हैं, जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है और जो करने की सोच रहे हैं। तो सोचिए मत, उठाइए फ़ोन और फटाफट करिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब। मैं आपको ऐसे ही साथ में घुमाती रहूँगी और मेरे साथ घूमते रहिए। ओके गाइस, अब आगे के देखते हैं हम आज क्या करते हैं। भैया आ गए हैं रूम साफ़ करने के लिए, देखिए एकदम से चमका दिया है मेरा रूम अच्छे से, देखिए झाड़ू वगैरह लगा दी है बढ़िया, अभी पोछा ओछा लगेगा इसमें। तो सफाई करने के लिए आ गए हैं भैया और करने लगे हैं सफाई रूम की। देखिए देखो भाई, दोनों बहन भाई लड़ रहे हैं और मुझसे भी लड़ रहे हैं, और जिस टाइम से इसके पापा ने इसके फोन का रिचार्ज कराया है ना, तब से ये लड़का मेरा सिर्फ फोन पे लग रहा है। और फनी वीडियो बनाओ इनके लिए, फनी वीडियो कैसे बनाओ, ये तो बैठे रहे मैं और मैं मूर्खता वाले काम करती रहूँ, ये इनकी फनी वीडियो है। एक अभी वो पट पटर 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 बोल रही थी, अभी इसकी बोलती जो है वो बंद हो चुकी है, देखो है। और मैं फनी वीडियो बनाऊँ, ये मुझे लेक्चर देते रहे। हाँ बता फनी, हाँ बता भाई फनी के लिए क्या करना, कुछ तो किया करो। हाँ क्या करूँ, ये हम ही करते रहे, बकलोल बनती बकलोल बनती, ये वाकई बकलोल ही है। एक वो लग रहा वो भी बकलोल ही है, ऐसे वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं जिनका मुझे खुद अर्थ नहीं पता होता। भाई इसका अर्थ मुझे भी बता दियो रे, क्या है इसका अर्थ, इसमें एंड की ने बोला और अर्थ भाई तुम लोग बता देना मुझे कि क्या है इसका अर्थ, मुझे भी नहीं पता। अब परी जी बोल रही है गूगल पर सर्च करो। हाँ भाई क्या सर्च करना, करो क्या सर्च करना, क्या बोला, बकलोल बकलोल। देखो अब देखो उसका फोन एकदम से नीचे रखा गया, क्यों यहाँ पर अब हम पड़े हुए हैं करें क्या, तो बेचारों को कुछ सूझ तो रहा नहीं, या तो मेरे से फालतू की बात करना शुरू करते हैं या फिर दोनों बहन भाई लड़ना शुरू करते हैं, होगी परी शुरू। ये देखो ये देखो ड्रामे बनती है, शरारती बच्चे। मिलेनियम पार्क देखिए, इसमें इस तरह के झूले वगैरह हैं, देखिए क्रूजर ही बस क्रूजर। देखिए किस चीज की तस्वीर है, और देखिए ये जा रही है ट्रेन, ये देखिए ये जा रही है बीच में से ट्रेन।
ये देख लो जी गंगा। देखिए हावड़ा ब्रिज दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, ये देखिए हावड़ा ब्रिज। आने जाने वालों के लिए होगा ये, उधर से इधर। हाँ ट्रेन की पटरियाँ, ट्रेन की पटरियाँ स्टेशन हम निकल रहे हैं इसमें। चलो ना आ गए हम, अब ट्रेन में बैठेंगे ठीक है। ट्रेन के ये है अंग्रेजों के जमाने की बिल्डिंग, अभी भी ऐसी है, बस अंदर ही जो करते रहते हैं इसमें मरम्मत करते रहते हैं, बाकी ये अभी भी ऐसी कैसी है। देखिए देखिए ग्रिल देखिए इनकी कैसी लगी हुई है, और खिड़की देखिए कितनी बड़ी बड़ी है, जैसे दरवाजे डेवलप किया। अच्छा ऊपर ऊपर अच्छा शीशे के लगा दिए, नहीं तो पहले ये शीशे भी थे। डिजाइनिंग वगैरह वही है, मतलब जो शेप है वही है, शेप चेंज बिल्कुल भी नहीं करी है। ये देखिए कितनी पुरानी पुरानी बिल्डिंग, ये डायमंड जो बना ये तो नया होगा। कितनी पुरानी गाड़ियां चल रही हैं आज यहाँ पर, टैक्सी जो पीली पीली आपको नजर आएंगी ना, बहुत पुरानी गाड़ियां हैं, देखिए आज भी यहाँ पर नजर आ रही हैं, किसी और शहर में आपको नजर ही नहीं आएंगी, ये और सिटी में कलकत्ता में नजर आ रही है। जिस पर हम चल रहे हैं वो ईस्ट इंडिया कंपनी का एयरपोर्ट था, अब देखो क्या रंग चेंज हो गया, रेड रोड, रेड रेड रोड रोड अपने जो लोग लाल थे, लाल लाल थे। अच्छा तो वही लोग ही थे, अच्छा वही लोग के लाल थे। देखो भैया बता रहे नोट एंड आउट, तो बहुत जगह बना रखी है। हम घूमने आए थे मॉल, तो मॉल में है एक पानी का फवारा टाइप, तो देखिए उसमें घूम रहा है कछुआ, और देखिए कहाँ से निकल रहा है वो अभी दिख भी नहीं रहा। देखो भाई कछुआ ऊपर मुंह करके, हाँ तो सांस ले रहा है ना, सांस लेगा अंदर पानी में जाएगा। वाओ ब्यूटीफुल, कितना प्यारा लग रहा है, अंदर जा रहा है। मैं खड़ी हूँ एक आइसक्रीम पार्लर पर, और यहाँ से मैं ले रही हूँ अपनी फेवरेट कोल्ड कॉफी विद आइसक्रीम। अभी लोग ये देखिए छोटी सी शॉप है, अच्छी लग रही है। देखिए आपके मुँह में पानी आ रहा है, शामिल हो जाइए मेरे साथ, मैं घूम रही हूँ कोलकाता। और देखिए कोल्ड कॉफी विद आइसक्रीम, और परी ने पीना शुरू कर दिया है, चीटिंग करती है परी, अपने लिए कुछ और बनवाया है और मेरी ये ले ली है कोल्ड कॉफी, देखो शैतान लड़की। देखो भैया बेच रहे हैं चना जोर गरम, ये उस जमाने का है अंग्रेजों के जमाने का गाना। तो देखो मैं ले रही हूँ भैया से, देखिए अलग ही चीज है कुछ, बनाने का तरीका देखो भैया का। कहाँ का आइटम है ये भैया? ये मुंबई का। और खाते कौन है इसे? मारवाड़ी लोग। बता रहे हैं भैया कहाँ के लोग ज्यादा पसंद करते हैं। ठीक है थैंक यू भैया। कलकत्ता में लेयर वाला समोसा, ये सिंपल समोसा, पर ये लेयर वाला। मैं यहाँ खड़ी हुई हूँ किस एक हलवाई की दुकान पे छोटी सी, और देखिए कितने बढ़िया आइटम है वहाँ। टिशु को कितना पसंद आ रहा है, उसे पापा भी खा रहे हैं। सिद्धू खा के देखो, वाह निकल आए हैं, और देखो दोनों कितने मजे से लड़ रहे हैं, लड़ो भाई। एक ये तेरा है, एक ये तेरा है, एक एक मम्मी के हैं, एक एक इसी में पापा के हैं, एक एक मेरे हैं। कैसे खत्म हो जाएगा? कैसे खत्म हो जाएगा? लास्ट में हमारा मन कर गया तो खा लेंगे, और हमने खा लिया तो फिर दूंगा, फिर कर लिए जो करेगी।
कैसे पिटेगा तो? तो मम्मी कैसे करेगा तू? तो मम्मी को बोल लूंगा कि और ले गया। वो तो कल ही आएंगे फिर।